इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर में आपको हम बता दें, जेकेएलएफ के नेता और अलगाववादी नेता यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर अलगाववादी नेता की तरफ से प्रदर्शन हो रहा था और उनकी अगुवाई में यहां पर प्रदर्शन हो रहा था, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ये प्रदर्शन था। दरअसल आपको पूरा मामला हम बता दें, मामला ये उठ रहा है कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का, जिसको लेकर यासीन मलिक ने यह बयान दिया था कि उनके लिए अलग से हाउसिंग नहीं बनेगी, उनके लिए अलग से, उनको यहां बसाने के लिए अलग से सोसाइटी नहीं बनेगी, जिसके बाद वहां के मुख्यमंत्री ने भी इनके सुर मिलाया था और उन्होंने विधानसभा में भी ये बात कही थी कि ऐसा ही होना चाहिए, पहले भी लोग मिलकर रहते रहे हैं, इसीलिए अब भी अगर लोग यानी कि कश्मीरी पंडित यहाँ आते हैं तो उन्हें सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। इसी को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई। जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें आप देख सकते हैं, हालांकि पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, यहाँ पर लगातार पथराव की भी खबरें आ रही थी, लेकिन उसे रोकने की कोशिश, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे अलगाववादी नेता यासीन मलिक के नेतृत्व में। श्रीनगर में लाल चौक पर जेकेएलएफ का यह प्रदर्शन चल रहा था। हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या स्थिति फिलहाल वहां? था कि इस तरह की स्थिति लाल चौक में बन पाएगी, क्योंकि यासीन मलिक ने अपने समर्थकों के साथ जो टाउनशिप बनाने की बात सरकार ने की थी उसके विरोध में प्रदर्शन, ये लाल चौक की तस्वीरें आपको कंटिन्यू यहाँ पथराव हो रहा है और बस अच्छा कंटिन्यू जी। यासीन मलिक के सपोर्टर्स यहाँ लगातार पुलिस के साथ जो है क्लैश कर रहे हैं और लगातार पुलिस की कोशिश है कि इन लोगों को यही रोक दिया जाए। कैमरामैन रूप के साथ सुजाव हक श्रीनगर आज तक।